हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तरोत्तर अवकलन यानी कि nth डेरिवेटिव। ओके, तो इसमें हम nth डेरिवेटिव देखेंगे कि अलग अलग फंक्शन का nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन लेके आ रहा हूँ, सामान्य बीजगणितीय फलन जो है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m का nth डेरिवेटिव। देखिए, बहुत ही सामान्य चीज़ है, सरल चीज़ है, इसको कैसे करते हैं ये देखिए। तो यदि मैं इसका प्रथम अवकलज की बात करूं जिसे हम y1 बोलते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आएगा m x की पावर m माइनस वन। अगर मैं द्वितीय अवकलज बोलूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास m इंटू एम माइनस वन एक्स की पावर m माइनस टू। यदि मैं तृतीय अवकलज यानी कि y3 इसका थर्ड डेरिवेटिव बोलूँ, सो एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर एम माइनस थ्री। ओके, एंड फोर्थ डेरिवेटिव यदि मैं कहूँ आपसे तो एम एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री इंटू एक्स टू दी पावर एम माइनस फोर। सो एक कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि आप अगर चार बार करते हैं तो ये तीन बार जा रहा है, मतलब एक कम। ओके, मतलब क्या कह सकते हो कि आपने पांच चार बार किया है तो ये तीन बार आया है। इसी तरीके से अगर आप इसको n बार करोगे तो y n बार, तो कितना आएगा m m माइनस वन एम माइनस टू, ठीक है ना। चार बार में तीन बार जा रहा था, चार में से मतलब आपने क्या किया, एक कम माइनस किया थ्री। तो यहाँ पर आप चलते 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 n बार में n माइनस नहीं करोगे, n से एक कम माइनस करोगे m माइनस n माइनस वन, जिसको हम बाद में लिखेंगे m माइनस n प्लस वन, और ये बन जाएगा x टू दी पावर m माइनस n। एक कॉमन पैटर्न आपको फील हो रहा होगा, ये देखिए, और यहाँ पे x टू दी पावर m माइनस n, ये हो गया। अब ये आ गया है इसका nth अवकलज, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ चुका है, nth अवकलज आ चुका है। अगर आप इसको x टू दी पावर m माइनस n आपने कर लिया है, अब इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर इफ m इक्वल्स टू n, अगर m की वैल्यू जो है n के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो यदि m की वैल्यू n के इक्वल होगी तो देखिए क्या रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे। जहाँ पर m है वहाँ पर आप n पुट कर दीजिए तो आपके सामने कुछ नया रिज़ल्ट निकल करके आएगा। तो y n इक्वल्स टू, ओके, मतलब ये कह लीजिए कि ये आपने nth डेरिवेटिव निकाला, और इफ़ m इक्वल्स टू n मतलब आपने m बार ही डिराइव कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझो कि y इज़ इक्वल टू x की पावर 6 है, और आपने इसने पहले y1 निकाला, फिर y2 निकाला, फिर आपने फाइनली y6 निकाल लिया। तो जिस प्लेस पर n है उस प्लेस पर m पुट कर दीजिए, तो देखिए y nth टाइम डेरिवेटिव, और यू कैन से y mth टाइप ऑफ डेरिवेटिव इक्वल्स टू m m माइनस वन अप टू एम माइनस, क्या हो जाएगा, खोल दो इसको, एम प्लस वन एक्स टू दी पावर एम माइनस एम। तो ये कितना बन गया, ये बन गया एम एम माइनस वन डॉट 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 अप टू, कितना हो गया, ये एम से एम कैंसिल हो गया, वन हो गया एक्स की पावर ज़ीरो। देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये फैक्टोरियल एम, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर m, और इसका m बार अवकलज निकालना है आपको, कितने बार, m बार। तो y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर m है आपके पास में, और आपको इसका m बार अवकलज निकालना है, ओके। सो इसका y m कितना होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू फैक्टोरियल m। यदि मैं आपके सामने क्वेश्चन दे दूँ y इक्वल टू एक्स की पावर 6, और आपको इसका छठवीं बार का अवकलज निकालना है y6, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा फैक्टोरियल 6, ये बनेगा आपके पास में फैक्टोरियल 6। तो ये था हमारे पास उत्तरोत्तर अवकलन।
और याद रखिएगा कि किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन का आपसे बोला जाए वाई एम प्लस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा बार अवकलन करेंगे तो चाहे एम प्लस टू कहा जाए तो कितना हो जाएगा, जीरो। बट याद रहे फंक्शन क्या होना चाहिए, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एम, मतलब उसकी जो अधिकतर पावर है वो एम होनी चाहिए, तो इस पे ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके डन। चलिए तो इसको सॉल्व करिए। उत्तरोत्तर अवकलन का ये है पहला पार्ट। चलिए अगला जो टॉपिक है, अगला जो टाइप है एंथ डेरिवेटिव का, स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप इज़ वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर कितना है, एम है। और यदि मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ कि बताइए कि किसी भी टाइम में डेरिवेट करूँ इसको वाई एन, वो कितना होगा, पहले तो ये मैं पूछूँगा आपसे, फिर मैं आपसे पूछूँगा वाई एम कितना होगा, मतलब जितनी पावर चढ़ी उतनी कितना होगा। आइए तो थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी से देखते हैं। अगर एक बार आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास ए बाहर आएगा एंड एम बाहर आएगा और ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस वन हो जाएगा। दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए दो बार आ जाएगा बाहर और एम इंटू एम माइनस वन हो जाएगा और ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम माइनस वन टू सॉरी एम माइनस टू। वाई थ्री एक बार और करिए, सो ए टू द पावर थ्री हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम माइनस वन हो जाएगा और ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम माइनस थ्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको एन टाइम्स डेरिवेट करें सो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम माइनस वन था और यहाँ पर मैं भूल गया था एम माइनस टू भी लिखूँगा, तो मतलब तीन है तो तीन से एक कम दो, तो मैं एन बार इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो एन में से एक कम और एम माइनस एन माइनस वन ये चलेगा। और ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर तीन बार में यहाँ पे थ्री आया था सो एन टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहा हूँ सो इट विल बी हेयर एम माइनस एन। सो ये है अपना एंथ डिफरेंशिएशन। ओके दिस इज ये क्या है अपने पास में, ठीक है ना, एंथ डिफरेंशिएशन वाई एन इक्वल्स टू व्हाट कैन आई राइट दिस, ए टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाई एम को यहाँ पे अपन ने है ना एन माइनस वन टाइम्स खोला है, एन माइनस एन टाइम्स खोला है। ओके यहाँ पे मैंने कितने बार इसको ओपन किया है, एन टाइम्स मैंने इसको ओपन किया है। तो यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको आई थिंक मैं एम पी एन लिख सकता हूँ, बट उसको मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि एम पी एन का मतलब वाकई में होता है कि नहीं होता है। तो आइए देखते हैं एम पी एन, परमुटेशन की थ्योरी में मैं बात कर रहा हूँ। एम पी एन इक्वल्स टू फैक्टोरियल एम अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस एन, ये होता है फैक्टोरियल एम पी एन का मतलब। तो यदि मैं देखूँ इसको ब्रेक करके सो ये एम एम माइनस वन एम माइनस टू और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा एम माइनस एन प्लस वन तक और उसके आगे ये एम माइनस एन में ब्रेक हो जाएगा और फैक्टोरियल एम माइनस एन, तो गलत बात नहीं होगी, बिल्कुल सही है ये हमारे पास। सो आई कैन राइट इट एज एम पी एन ओके एंड ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम माइनस एन, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम माइनस एन ये भी लिखा जा सकता है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे एन को एम ले लेते हैं स्पेशल केस, मतलब आप एम टाइम पूरे टाइम्स को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं एम टाइम, सो यू कैन राइट ए टू द पावर एम ओके ए टू द पावर एम, जितने बार आपने डिफरेंशिएट किया ए टू द पावर एम आ जाएगा ओके एंड एम पी एम एम पी एम एंड ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एम माइनस एम जो कि ज़ीरो बन जाएगा और समथिंग की पावर ज़ीरो इक्वल्स टू वन, तो ये मेरे पास कितना बनेगा, ये बनेगा ए की पावर एम इंटू फैक्टोरियल एम, बिकॉज एम पी एम कितना होता है फैक्टोरियल एम। तो इसे आप ये आपका रिजल्ट आ चुका है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एम और इसको आपने एम टाइम्स डेरिवेट किया है सो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, आपका आंसर बनेगा ए टू दी पावर एम एंड फैक्टोरियल एम।
तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे बन सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू 2x+3 की होल पावर 6 आ गया आपके पास एग्ज़ाम में, कि इसको आपको डिफरेंशिएट करो। तो कितने बार डिफरेंशिएट करो? 6 बार। तो लगातार करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो कैसे करोगे लगातार की जगह? 2 की पावर 6 एंड फैक्टोरियल 6, ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। ओके, आपको बहुत ही कम समय लगा यहाँ पे। हाँ, सो 2 की पावर 6 इंटू फैक्टोरियल 6। अगर मैं वाई इज इक्वल्स टू 3x+5 होल टू द पावर 3 है, सो वाई इज इक्वल्स टू 3 की पावर, मैंने इसको यदि 4 बार इसको पावर 4 दे दूँ, ओके, तो 3 की पावर 4 एंड फाइनली ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4, इस तरीके से। चलिए, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट्स। ये टाइप 3 है, आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू 1/ax+b का। आपको इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, nवा अवकलज बोलते हैं हिंदी में। टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू ax+b, सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट आई फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इसको पहले क्या लिखेंगे? दिस इज ax+b होल टू द पावर -1। ओके, तो अगर इसको डेरिवेट करोगे तो पहले -1 बाहर आएगा और ax+b होल टू द पावर -2 हो जाएगा और साथ में a बाहर आएगा। नाउ अगेन इफ आई मूविंग टूवर्ड्स y2, देन इट विल गिव यू -1 × -2 एंड ax+b होल टू द पावर -3 एंड ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ओके, और अगर आप y3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 बार डिफरेंशिएशन, -1 −2 −3 एंड ax+b होल टू द पावर -4 और a^3, 3 बार बाहर आ जाएगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, -1 −2 −3 अपॉन 1/ax+b होल टू द पावर n, सॉरी 4 एंड a का पावर 3। ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको ये समझ में आ सके कि आप इसको फाइनली आप इसको कैसे लिखोगे। तो अगर आप n बार डेरिवेट करते हो इसको y n, अगर आप इसको n टाइम्स डिफाइन डिराइव करोगे तो क्या आएगा ये? तो अगर आप इसको n बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये देगा -1 −2 −3 अप टू माइनस n तक जाएगा ये, क्योंकि 3 बार में 3 तक जाता है, n बार में n तक जाएगा, इंटू 1/ax+b की पावर n+1 ये हो जाएगा और a^n भी देगा ये, इंटू a^n। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं y n इक्वल्स टू -1 n टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो -1 to the power n, फिर ये बन गया 1, 2, 3 up to n, सो यू कैन राइट इट फैक्टोरियल n। ओके, a^n अपॉन ax+b की पावर n+1। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन, इस तरीके से आपको इसको डिराइव करना है। ओके, अब एक क्वेश्चन लेकर के देख लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन अपने पास है 1/3x+4, 1/3x+4 ये क्वेश्चन है, ये वाई दिया है। और मान लीजिए इस क्वेश्चन में आ गया कि आप इसको 10 बार डिफरेंशिएट करो, सो वाई इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा? ये आएगा 1/3x+4 होल टू द पावर 10+1, मतलब 11 हो जाएगा। ओके, -1 की पावर 10 इंटू फैक्टोरियल 10 और साथ में 3 की पावर 10, ये इसका आंसर आएगा। तो nth डेरिवेटिव यानी कि इसका अपने nवा अवकलज फाइंड कर लिया है इस प्रकार से। सो अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा हूँ, आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन y इज इक्वल टू log(ax+b). अच्छा क्वेश्चन है, इसका आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे।
आइए तो देखें हैं, सिमेट्रिसिटी बनाते हैं। y इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव 1 अपॉन ax प्लस बी। अगर मैं सेकेंड डेरिव इसको मैं ax प्लस बी की पावर -1 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव की बात करूँ तो -1 मल्टीप्लाइड बाई ए बाहर आएगा और ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर -2। ओके, और अगर मैं ये मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया है 1 अपॉन ax प्लस बी, और इसमें सॉरी एक ए भी बाहर आएगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये एक ए इधर का है, एक ए इधर का है, तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए y3, तो y3 मीन्स -1 -2 ए का क्यूब और ax प्लस बी होल टू द पावर -3, ये आएगा। और ए टू द पावर 3 ax प्लस बी की पावर -3। अगर मैं y4 की बात करूं, सो -1 -2 -3, ओके, एंड ए की पावर 4 और ax प्लस बी की पावर -4, ये हो रहा है। तो क्या देखने को मिल रहा है हमें, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास क्या चलेगी, सीरीज शुरू होगी -1 -2 -3, और ये 4 है तो यहाँ पर ये 3 है, मतलब एक कम। सो आई कैन राइट इट नेगेटिव ऑफ n माइनस वन, मतलब 4 है तो एक कम, नेगेटिव ऑफ n माइनस वन, और a टू दी पावर कितना आएगा, n ही आएगा, क्योंकि आप 4 बार डेरिव कर रहे हो तो यहाँ पे 4 आ रहा है, एंड ax प्लस बी होल टू दी पावर -n। यस, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। सो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, yn = -1 की पावर, को क्योंकि -1 टोटल n-1 टाइम रोल हो रहा है, तो -y = -1 की पावर n-1। ओके, और ये यहाँ पे 1, 2, 3 up to n-1 है, सो ये बन जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ओके, एंड a टू दी पावर n अपॉन में ax प्लस b होल टू दी पावर n। तो ये आ गया हमारे पास nth डेरिवेटिव, यही nth डेरिवेटिव है log x का। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, yn = -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n माइनस वन, ओके, एंड ए टू दी पावर n और ax प्लस b की पावर n। यस, अगर मैं आपसे यहीं पर log x का nth डेरिवेटिव पूछूं, मतलब a ज़ीरो हो गया है, b भी ज़ीरो हो गया है, तो अगर मैं आपसे log x का nth डेरिवेटिव पूछूं, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n माइनस वन। ए यहाँ पर है ही नहीं है तो ज़ीरो की पावर कुछ भी ज़ीरो, ए यहाँ पे है नहीं तो ज़ीरो टू दी पावर n, ओके, यहाँ पे ए का टर्म नहीं आएगा और ए की पावर n ही रहेगा सपोज, और नीचे भी क्योंकि x ज़ीरो नहीं है, a ज़ीरो है, ओके, ए की वैल्यू 1 है, सॉरी ए की वैल्यू 1 है बिकॉज ऑफ लॉग एक्स है ना, सो ए की वैल्यू 1 है, सो 1 टू दी पावर n = 1 हो जाएगा, एंड 1 × x + 0, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, x की पावर n। तो ये लॉग एक्स का nth डेरिवेटिव है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एक बार फिर मैं लिखता हूँ, लॉग एक्स का nth डेरिवेटिव जो बनेगा वो बनेगा d/dxn dnx/dxn। लॉग एक्स कितना निकलेगा भाई, नीचे मुझे याद आ गया है एक्स की पावर एन होगा, ऊपर होगा -1 की पावर n-1 और n-1 का फैक्टोरियल। सो दिस इज़ योर आंसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, nth डेरिवेटिव करना है y = a टू दी पावर mx का। ये फंक्शन है हमारे पास, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा, तो इसको t लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारे पास a टू दी पावर x log a, तो m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा m, ओके, और a टू दी पावर mx
लॉग ऑफ ए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डिफरेंश सेकेंड बार करिए तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर, और फिर से यहाँ पे लॉग ए तो कांस्टेंट है, ये लॉग ए कांस्टेंट है, और ए की पावर एम एक्स का आएगा, ए की पावर एम एक्स लॉग ऑफ ए, मतलब क्या हो गया, एक तरीके से क्या बन गया, ये बन गया एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स और साथ में लॉग ए का होल स्क्वायर। अभी मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ थर्ड टाइम, तो ये क्या हो जाएगा जी, थर्ड टाइम इसको डिफरेंशिएट करने पर देखिए, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करने पर एम फिर से बाहर आएगा क्योंकि ए की पावर एम एक्स है, और ये एम का क्यूब हो जाएगा, और ये लॉग ए भी बाहर आएगा, लॉग ए का क्यूब हो जाएगा, और ए की पावर एम एक्स बचेगा जिसको मैं लिख सकता हूँ एम लॉग ए का होल क्यूब इंटू ए टू दी पावर एम एक्स। तो तीन बार में ऐसा आ चुका है, तो अगर आप एन बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो वाई एन इक्वल्स टू एम लॉग ए होल टू दी पावर एन और ए की पावर कितना एम एक्स। तो ये इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन हो गया ए की पावर एक्स का, ए की पावर एम एक्स का एम लॉग ए होल टू दी पावर एन और ए की पावर एम एक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। अगर आपके पास कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू ए की पावर 3x और इसको बोला गया है कि आप इसको 5 टाइम्स या 4 टाइम्स, इसको 5 टाइम्स आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब आपको वाई 5 निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, ए की पावर है तो 3 लॉग ए होल टू द पावर 5, 3 लॉग ए होल टू द पावर 5 इंटू ए की पावर 3x, ये इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। ओके, ये इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू e की पावर mx, तो उसका भी हम उत्तरोत्तर अवकलज देखने हैं। तो जैसा मैंने कहा कि y इज इक्वल्स टू e की पावर mx, अब इसका प्रथम अवकलज करेंगे तो ये आएगा m e की पावर mx, द्वितीय अवकलज करेंगे एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, तो इसका जो एनवा अवकलज आएगा बहुत ही सरल है, एम की पावर एन ई की पावर एम एक्स। तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, एम की पावर एन ई की पावर एम एक्स। अगला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ये थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, टेक्निकल है, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है, इसका आपको nth डेरिवेटिव निकालना है। आइए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए कुछ मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि cos x इक्वल टू होता है साइन 90 प्लस एक्स, और माइनस साइन x होता है साइन 180 प्लस एक्स, जस ये हो गया। थोड़ा सा ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब आइए इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, तो वाई वन इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, जिसको मैं लिख सकता हूँ वाई वन इज इक्वल टू ए साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, कॉस है बिकॉज। अब इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूँ वाई टू इक्वल्स टू, देखिए पाई बाय टू है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ज़ीरो हो जाएगा इसका, तो खैर बाद में, बट ए लिखा हुआ है तो ए की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर, और साइन का हो जाएगा कॉस। ओके, साइन का हो जाएगा फिर से अपने पास में कितना हो गया कॉस। तो अभी देखा आपने कि जब मैं साइन का करता था तो साइन का कॉस हो जाता था, और वापस में उसको नॉर्मल करने के लिए मुझे पाई बाय टू प्लस फॉर्म में लिखना पड़ता था, है ना। तो फिलहाल मैं अगर इधर से देखूं, मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, यदि मैं इधर से देखूं इसको डिफरेंशिएट करूं y2, तो ए स्क्वायर और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, जी हाँ। तो मैं अब इसे कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर और साइन पाई प्लस ए एक्स प्लस बी, और साइन पाई को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई 2। चलिए ये हो गया, तो ये मेरे पास आ गया कुल मिला के माइनस ए स्क्वायर
साइन ए एक्स प्लस बी। अब अगला वाई थ्री करता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस ए का क्यूब। वाई थ्री के लिए आप इसको यूज़ करिए, ए का क्यूब, और साइन का कितना हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। तो क्या मैं कर सकता हूँ इसमें, ए क्यूब, और मैं लिख सकता हूँ साइन कॉस, और वो भी नेगेटिव का, यानी थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स, थ्री पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। ये आ चुका है तीन बार में, तो हमको एक सिमेट्री मिल चुकी है। तो अगर देखिए क्या सिमेट्री मिल रही है, एक बार में वन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, दो बार में टू पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, और तीन बार में थ्री पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। तो अगर मैं इसका nth टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये क्या बनेगा, ए की पावर n साइन ऑफ n पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। ये आ चुका है आपके पास nth डेरिवेटिव, नोट कर लीजिए इसको। अब अगला देखिए, हमारे पास अगला फंक्शन है y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। y इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, मेरे पास ये फंक्शन है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ फर्स्ट टाइम, तो y इज इक्वल्स टू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। सवाल है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो हम जानते हैं कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सो आई कैन राइट इट इज द फॉर्म। एक बेटर यहाँ पे एक चीज़ और है, ए भी बाहर आएगा, सो मल्टीप्लाई बाई ए, सो मोर बेटर आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ ए इन टू कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, बिकॉज कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। सो अब अगेन मैं इसको टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूँ, तो साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का ए स्क्वायर, और साइन का यानी कॉस ए एक्स प्लस बी। और हम जानते हैं कि कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो इस माइनस को एलिमिनेट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर कॉस टू पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर मैं इसको तीन बार डिफरेंशिएट कर दूँ वाई थ्री, तो कॉस का फिर से हो जाएगा माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए क्यूब साइन ए एक्स प्लस बी। सो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं इसको लिखूँ ए क्यूब ओके और कॉस ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, सो कॉस थ्री पाई बाई टू के प्लस गया तो कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस वजह से इसका अगर मैं nth टाइम डिफरेंशिएशन करूँगा, डेरिवेटिव करूँगा, तो मेरे पास आएगा a की पावर n ओके कॉस ऑफ n पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इज़ योर आंसर, n पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, दैट्स इट। मैं आपको दो डेरिवेटिव और बता रहा हूँ जो यूपी जीआईसी में पूछे जा चुके हैं एक बार। सो y इज इक्वल टू e की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, आप लोग इसके प्रूफ करने की ट्रायल कीजिए ओके, और मुझे आप भेजिए व्हाट्सएप नंबर पे इसका आंसर्स। सो e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का इसका nth डेरिवेटिव यदि मैं निकालता हूँ y एन इक्वल्स टू, तो देखिए ये कितना होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर की पावर n बाई टू इन टू ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए। ये होता है इसका फॉर्मूला, वाई एन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर n बाई टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए। जितने बार आपने डिफ्रेंशिएट किया उसको n बोलते हैं। इसी तरीके से यदि आप कहें कि कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स एंड कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है एन टाइम्स वाई एन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पावर एन बाई टू ई का पावर ए एक्स इन टू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए, दैट्स इट। तो ये दो फार्मूले आपको रटने हैं, इनको आप रट लें तो मोर बेटर, बहुत अच्छी बात होगी ओके। चलिए तो दोस्तों, पहली क्लास ये आपकी
उत्तरोत्तर अवकलज कह लीजिए या nth डेरिवेटिव कह लीजिए। इस क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।